हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। इसका शेयर का भाव प्राइस जो है लगभग 2200 के आसपास है। क्या यहां से और भी गिरावट होगी? क्या यहां पे लेना चाहिए? क्या ऊपर की तरफ तेज हो सकता है? तो सारी जानकारी टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार देखेंगे। अगर फंडामेंटल के हिसाब से देखते हैं तो Q1 का इसका जो रिजल्ट था लगभग 411 करोड़ का सेल्स हुआ था, 302 करोड़ इसको प्रॉफिट हुआ था। EPS लगभग 14 के आसपास है। मार्केट कैप इस वक्त देखेंगे तो 47,000 करोड़ का है और फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 रुपीज़ का है। और डिविडेंड भी कंपनी देती है दोस्तों, काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। बट ये है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस वक्त थोड़ी सी दिक्कतें हैं, कोविड के कारण थोड़ा सा इफेक्ट तो है ही है, इसके वजह से प्रेशर है। दूसरी बात यह है कि इसमें स्टेक सेल भी किया गया था तो उसके वजह से भी इसमें प्रेशर बना हुआ है। शेयर होल्डिंग लगभग 73.95 है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। अब इसका टेक्निकल देखते हैं दोस्तों, और वो डेली कैंडल के हिसाब से देखेंगे और इसका जो मंथली कैंडल लंबे समय के लिए थोड़ा सा 3-4 महीने 6 महीने के लेते हैं तो उसको भी देखेंगे। तो आइए इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, चार्ट पैटर्न के अनुसार किस तरह से ये ट्रेड कर सकता है आने वाले दिनों में उसको देखते हैं। दोस्तों HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं, ये लगातार गिरावट में है पिछले कुछ समय से। जैसे कि खबरों में भी बना था कि कुछ स्टेक सेल किया गया है, लगभग 2400 के आसपास से गिरावट में है। तो क्या यहाँ से जिस तरह से बेरिश मूड में है इस वक्त, अभी ये डेली कैंडल है दोस्तों, लगातार देखिए रेड कैंडल बने हुए हैं। और ये अगर इसको हम देखते हैं, ओपन हुआ था 2274 और हाई किया है 2274.95, लो बनाया है 2181 और क्लोजिंग आई है 2215। तो आने वाले दिनों में देखिए इसका सपोर्ट क्या होगा, सबसे पहले उसको देखते हैं। अगर हम टेक्निकल की भाषा में देखते हैं तो ये एक तरह से बेयरिश मूड है और कोई भी इसे अभी ये कहेगा कि कंपनी अच्छी है बट अभी गिरावट हो सकती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं खरीदारी बनती है तो वो ये अपने सपोर्ट के आसपास है। लगभग ये 2000 और 2100 के आसपास देखिए अच्छा खासा सपोर्ट है इसको। अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखते हैं लगभग 1970 और 1900 के आसपास का है, तो मान के चलिए कि 300 पॉइंट के अंदर अगर हम लेते हैं इसको, एक रिस्क के अनुसार लेते हैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को, तो हमें रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल सकता है ऊपर की तरफ। अभी अगर आप किसी टेक्निकल एनालिसिस को कहेंगे कि अभी इसमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहेंगे, नहीं अभी और गिर सकता है और गिर सकता है, जब वो तेज़ हो जाएगा, जब वो 2300 के ऊपर जाएगा तब हम लेंगे। तो देखिए सपोर्ट के आसपास है, ये 2000 और 2100 के आसपास सपोर्ट है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट होती है, सपोज 1,00,000 रुपया हमें लगाना है तो हमको 50% इसके आसपास एक रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कोविड के कारण थोड़ी सा प्रॉब्लम तो है ही है म्यूचुअल इंडस्ट्री में, कोविड के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कतें तो है, बट Q2 का रिजल्ट आएगा उसकी उम्मीद के कारण ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और लोन और मोरेटियम का जो EMI का जो केस चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें भी तेज़ी आती हुई दिखेगी आपको। तो HDFC ग्रुप के जो शेयरों में, जैसे देखिए HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड तो एक तरह से काफ़ी लोग पसंद में रहते हैं, और दूसरा ये HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तो इसमें भी काफ़ी लोग इन्वेस्टेड होते हैं। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 2019 में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, अब ये 2020 में थोड़ा सा एक तरह से हम करें तो अंडर परफॉर्म किया है, बट यहाँ से एक ऊपर की तरफ बाउंस बैक हो सकता है। 100-200 पॉइंट की बात है दोस्तों, अगर 2000 के आसपास सपोर्ट है इसका तो डेफिनेटली एक बाय यहाँ पे बनता है। और रिस्क के अनुसार अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको मंथली कैंडल के हिसाब से देखते हैं, जो RSI के हिसाब से देखते हैं तो देखिए 26 में, यानी मैं आपको 20 से नीचे की तरफ अगर कोई स्टॉक मिलता है बड़ा स्टॉक तो डेफिनेटली उसमें बाय बनता है अगर RSI के अनुसार देखते हो। इससे पहले भी ये लगभग 25, 26, 20 तक आया था, वहाँ से एक बाउंस बैक किया था। तो RSI अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार देखते हैं तो लगभग देखिए 15-20 के आसपास खरीदारी, 70 के ऊपर सेल, तो ये एक सिग्नल भी है RSI का और सपोर्ट भी है एक तरह से 2000 के आसपास का। 2000 के आसपास तो स्ट्रांग सपोर्ट है, यहाँ से काफ़ी टाइम घूम के ऊपर की तरफ गया है और देखिए एक ये जो ड्रॉप किया था लगभग 2100 के आसपास का ये घूम के गया, तो उसी के आसपास है। 100 पॉइंट मान के चलिए कि अगर गिरता है तो कुछ
लेने की कोशिश करनी चाहिए। और देखिए, हम अगर ये करते हैं कि 1 लाख रुपया लगाना है तो लमसम 25 शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में कोई नया बंदा है और वो लाइन में क्यू में लास्ट के खड़ा है, अगर वो ये सोचता है कि हम HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में पैसा लगाना है, तो लगभग देखिए 1 लाख रुपये में से 50% लगाना चाहिए, 25 शेयर्स यहाँ पे खरीद लेना चाहिए, 2100-2000 के आसपास के बीच में खरीद लेना चाहिए, 2000 और 2200 के बीच में खरीद लेना चाहिए, गिरावट होती है तो तुरंत खरीद लेना चाहिए। तो देखिए ये कैंडल बने हुए हैं मंथली, अब ये इसमें देखिए तेजी आई थी, ये गिरावट आई है मार्च के महीने में, फिर अप्रैल में ऊपर की तरफ था और मई में भी ऊपर की तरफ था, और ये जून जुलाई अगस्त सितंबर और इसमें इनमें गिरावट रही, क्योंकि इसमें स्टेक सेल भी हुआ है कंपनी की तरफ से और कुछ बड़े एम्प्लॉयज़ हैं तो उन्होंने भी सेल किया था, तो उसके अनुसार इसमें गिरावट है दोस्तों। और इसमें देखिए अभी सितंबर का जो कैंडल बना हुआ है लगभग 2488 से गिर के ये 2200 तक आया है वो, और यहाँ से भी हो सकता है कि 100 पॉइंट नीचे की तरफ है, तो वो एक तरफ मौका की तरह देखिए इसको, अच्छा खासा यहाँ से जो गेन होगा लगभग जो सबसे पहला टारगेट होगा 2470-2488 तक का होगा, उससे पहले देखेंगे तो लगभग आपको 2300 के आसपास, 2330 के आसपास, उसे 2370, 2420 इस तरह का मिलेगा, लेकिन एक टारगेट जो होगा लगभग 2470 और 2480 तक होगा। अगर ये 2488 से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली ये फिर आपको ये जो कैंडल दिख रहे हैं, देखिए ये लाइन से जैसे कि ये पिछले कुछ महीनों से जैसे 4-5 महीने से गिरावट हो रही है 2800 से, तो वहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों HDFC एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड में जो थोड़ा सा समय देना चाहते हैं, डेफिनेटली इसमें आप कुछ ना कुछ अपने रिस्क के अनुसार बाई करना चाहिए। एक अगर आप स्टॉप लॉस भी लगाना चाहते हैं तो लगभग 1970 या 1900 का स्टॉप लॉस लगा के एक रिस्क लेना चाहिए, और आने वाले दिनों में आपको Q2 का रिजल्ट के अनुसार ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और फिर अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करना, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। और जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी वेट करना चाहिए, और थोड़ा समय इस वक्त फाइनेंशियल सेक्टर के लिए दिक्कतों का है, बट ये है कि आने वाले समय में HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड अच्छा करेगा और म्यूचुअल फंड में भी इंडस्ट्री अच्छा करेगी, तो डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों इसका विश्लेषण और एनालिसिस ये है कि अपने सपोर्ट के आसपास ये आ रहा है और यहाँ पे कुछ बाय करना चाहिए, स्ट्रांग सपोर्ट है इसका 2000 के आसपास और 2100 के आसपास, डेफिनेटली इसको देखिए, और आने वाले समय में ये आपको अच्छा गेन मिल सकता है, 20-30% प्रॉफिट दे सकता है, Q2 में रिजल्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली स्टॉक और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। रिस्क लेने की कोशिश करनी चाहिए और स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करते हैं तो लगभग 1900-1970 के आसपास ऊपर की तरफ जाता है, तो अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया दीर से देखना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।